अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मम्मा। बन गया खाना? जी मम्मा, आप बताएं, हो आई हैं पुप्पू की तरफ से? कैसी हैं वो? हाँ माशाल्लाह पुप्पू तुम्हारी ठीक है। और उमेर तो बिल्कुल नहीं बदला बाहर जाके, वैसा का वैसा ही है, तहजीब वाला बच्चा है। शुक्र है तुम्हारी पुप्पू को ना तुम्हारा खाना बहुत पसंद है, आगे जाके परेशानी नहीं होगी। क्यों, खैरियत है मम्मा? हाँ वो तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मम्मा मुझसे तो किसी ने पूछा तक नहीं, मैं नहीं करूंगी उमेर से शादी। क्यों नहीं करोगी शादी? क्या है उसे? पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, बाहर रहता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी फूफो का बेटा है, तुम्हारे लिए कौन सा कोई शहजादा आएगा? मम्मा मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पापा को पता चला तो तुम्हारी जुबान काट देंगे। तुम क्या बहन भाइयों का रिश्ता खत्म करवाना चाहती हो? अब वो जबान दे चुके हैं, पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती हो। जाओ जाके नमाज पढ़ो। जानो ना, अब तो मेरे घर वालों ने दानियाल के साथ मेरी शादी बिल्कुल नहीं करनी। जाने किस ओर है जाना, क्यों ये सवाल आया, तेरा ख्याल आया, रब हैरान है कि दिल ने क्या पाया, दिल ने सुकून पाया, तेरा जुनून छाया, ऐसे मकां पे दिल लाके हेलो हेलो दानियाल, क्या हो मेरो, क्यों नहीं हो? दानियाल पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाने की कितनी शिद्दत है मुझे। तुम बताओ, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ राजी हो? दानियाल मैं भी तो ये सब नहीं चाहती थी, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पिछले 8 माह से मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे घर में रिश्ता भेजो, लेकिन तुमने नहीं भेजा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लगता है किस्मत में हमारा निकाह होना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मैंने सुना है दो प्यार करने वाले बगैर निकाह के भी रह सकते हैं। हम भी रहेंगे और बगैर निकाह के अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। काफी दिनों से तुम्हें कहना चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अब तुमसे मिलना है बस। मैं कल होटल में रूम बुक करवा रहा हूँ। तुमने कल लाजमी पहुँचना है। नहीं सॉरी दानियाल, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मेरे पापा ने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है, मेरे पापा ने 4 हज किए हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी इज्जत पे दाग आए। अगर किसी ने देख लिया तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा दानियाल। अभी अगर तुमने किसी और का होना है तो तुम्हें मुझसे एक बार रूम में मिलना होगा। मैं तुमसे नहीं मिल सकती, सो प्लीज अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ और मुझे भूल जाओ। ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाऊं? मुझे तुमसे मिलना है बस। प्लीज मेरी शादी होने वाली है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अब मुझे भूल जाओ प्लीज। फोन क्यों कट किया और बार बार बिजी कर रही हो? तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खुद से दूर होता हुआ देख रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, बस यही मोहब्बत ही तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मिलो मुझसे, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है।
जब हमारी शादी नहीं हो सकती तो मैं क्यों मिलूं तुमसे? तुम तो मोहब्बत करने वाले थे, मोहब्बत का पास रखने वाले थे। मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता। मोहब्बत और इज्जत और एक दूसरे को खुशी देने का नाम है दानियाल। क्या हो गया तुम्हें? तुम बदल सकती हो तो मैं भी बदल सकता हूँ। अबिया कान खोल के सुन लो, मुझे तुमसे मिलना है बस। कल मैं होटल में रूम बुक करवा रहा हूँ, तुमने लाजमी पहुँचना है, और अगर तुम ना आई तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, खबरदार अगर मेरा फोन ना उठाया तो। बाय। हाँ हेलो, कल सिटी होटल में रूम बुक कर दिया है, सुबह टाइम से पहुंच जाना। दानियाल मैं तुमसे नहीं मिल सकती। और जो तुम चाहते हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अब यहाँ मुझे तुमसे मिलना है बस। अगर तुम्हारी यही जिद है तो प्लीज मुझे आज के बाद कॉल मत करना। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अभी बताता हूँ इसे। हेलो 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 दानियाल, दानियाल आई ट्रस्ट ऑन यू। तुमने तो मुझसे वादा किया था तुम ये पिक्चर अपने फोन से डिलीट कर दोगे। हाय मेरी जान, मैं वही तिल तो देख रहा हूँ, और सोचो जब ये सब देखेंगे तो। तुम इतने धोखेबाज निकले, तुमने इतने मुझसे झूठ बोले, तुमने ये पिक्चर अपने फोन से डिलीट नहीं की दानियाल। तुम जो मर्जी समझो, अभी हाँ तुम ऐसे कैसे मेरे हाथ से बच के निकल सकती हो? सुबह टाइम से पहुंच जाना, वरना मैं ये तस्वीर वायरल कर दूंगा। फिर देखता हूं कैसे बचता है तुम्हारे बाप की इज्जत का जनाजा। बाय। हेलो हेलो, नहीं दानियाल तुम ऐसे नहीं कर सकते दानियाल। ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने कैसे इतनी बड़ी हमाकत कर दी थी? मैं कैसे किसी अजनबी पे इतना यकीन कर सकती थी? मैं कितनी बुरी हूँ, अल्लाह जी मुझे माफ़ फरमा दो, मुझसे गलती हो गई थी। अब मैं क्या करूँ? अम्मी से बात करूँ, अब्बू को बताऊँ? नहीं नहीं, मुझ पर कितना मान है अम्मी अब्बू को, क्या करूँ? अगर मैं कल ना गई, इसने तो मेरी तस्वीर वायरल कर देनी है, मैं तो मर जाऊंगी। अच्छा मैं जा रही हूं, अब तुम खुश हो ना? जो तुम चाहते थे तुमने कर लिया, और प्लीज मेरी पिक्चर अपने फोन से डिलीट कर दो। लो मेरी जान, अभी कर देता हूं, ये देखो कर दी डिलीट, अब खुश? देखो आज के बाद प्लीज मुझे कॉल मत करना, मैं कभी नहीं आऊंगी। तो फिर तुम भी एक वादा करो कि मैं कभी कभी बुलाया करूंगा तो तुम मुझसे मिलने आ जाया करोगी। देखो ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। अरे मेरी जान, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं, ब्लैकमेलिंग ही सही। देखो आज तो मुझे जो आना था मैं आ गई हूं, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूं। नहीं आओगी ना? तो ठीक है जाओ घर। घर जाते ही तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा,
जाओ, खुशी से जाओ। अबिया कहां से आ रही हो? अबिया ये सब क्या है? पापा वो मुझसे ना गलती हो गई है। अबिया कसम क्या हुआ? पापा 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 या अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब ही था। इससे मिलकर बदनाम होने से बेहतर है मैं बिना इस्तेमाल हुए बिना इसकी बात माने बदनाम हो जाऊं। हेलो, मैं होटल के बाहर पहुंच गया हूं, रेडी हो गई हो? जल्दी पहुंचो। दानियाल तुम एक नामर्द और बुजदिल इंसान हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मेरी तस्वीरें वायरल करनी है ना तो करो। अगर एक बाप की औलाद हो ना तो अब करके दिखानी है। मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। करो। ये अबिया ही बात कर रही है ना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? ये तो मेरी सारी गेम खराब कर रही है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो मिलने या मैं तस्वीर करूँ वायरल? मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म खुद बखुद साबित हो जाएगा और जो कानून तुम्हारे साथ करेगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी तस्वीर तो साइबर वाले डिलीट कर देंगे लेकिन तुम अपना सोचो घटिया इंसान तुम्हारा क्या होगा। अगर मुझे कहीं से भी किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार तुम होगे दानियाल। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचते हो। लगता है इसके पीछे कोई मजबूत हाथ है तभी ऐसे बोल रही है। मेरी बात सुनो अबिया, बात सुनो, मैंने कसम खुदा की किसी को भी तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तस्वीर डिलीट कर दूंगा और अगर तुमने कोई पुलिस में कंप्लेन की है ना प्लीज वो वापस ले लो। अगर तुम कहोगी तो मैं शहर भी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हें नजर ही नहीं आऊंगा कभी भी, प्लीज। ओके ठीक है, आज के बाद मेरे बारे में सोचना भी ना। ऐसी नफसा नफसी के आलम में अपने वालदैन के अलावा किसी और पर भरोसा ना करें और प्यार के फरेब में आकर एक दूसरे को ऐसी तस्वीर शेयर ना करें। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो भी जाती है उसका डटकर मुकाबला करें। वीडियोस में तो आपने देख ही लिया होगा बस इतनी सी हवा होती है इन जैसे दो टके के मर्दों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।